प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश आज 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं आज दिल्ली में राजपथ पर देश की तीनों सेनाओं का शौर्य देखने को मिला। चराईदेव जिलों में रविवार की सुबह 5 शक्तिशाली ग्रेनेड विस्फोट हुए। पुलिस ने बताया कि 3 विस्फोट डिब्रूगढ़ में और 1 विस्फोट चराईदेव में हुआ। यह धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह जवान 17,000 फीट पर हैं। लद्दाख में वर्तमान में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। निर्भया के 4 गुनहगारों में से एक विनय तिहाड़ जेल में पेंटिंग और शायरी लिखकर समय काट रहा है। उसने एक पेंटिंग निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात हुई दरिंदगी पर बनाई। इसमें एक असहाय लड़की को दरिंदे के चंगुल में फंसा दिखाया गया है। इस पर 16 दिसंबर 2012 लिखा है। इसके नीचे फांसी के 4 फंदे भी बने हैं। पेंटिंग को देखने से प्रतीत होता है कि असहाय लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उसका अंजाम फांसी है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। केरल में चीन से लौटे 7 लोगों को निगरानी में रखा गया। इन लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पूर्व उत्तर और असम को भारत के नक्शे से मिटाने की बात करने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ असम पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली और बिहार पुलिस के साथ मिलकर शर्जील की गिरफ्तारी का साझा प्रयास करने में जुटी है। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजपथ पर परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और प्रगति का भव्य नजारा देखने को मिला। राजपथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। भुवनेश्वर में महात्मा गांधी रोड पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया।